पहला तो आचार्य प्रशिक्षण में गुरुकुल परंपरा में किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती रोकना मेरा अधिकार में भी नहीं आता, इसलिए मेरा गेट हमेशा खुला है। जो जब आए चाहे आए, जो जब चाहे जाए। ठीक, बाकी रहा कि ध्यान नहीं लगता, किसी का नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता, उसे लगाना पड़ता है। ध्यान अगर लग जाए तो फिर सब कृष्ण बन जाते, सब बुद्ध बन जाते, सब महावीर बन जाते। ध्यान किसी का नहीं लगता, जो रेगुलर मेडिटेशन करता उसका भी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम लगाने का कोशिश करते हैं। जिस पल हम कोशिश छोड़ दें तब ध्यान लगता है। मन को जिस पल बांधना और पकड़ना चालू करते हो तब मन हारता है, तब ध्यान नहीं लगता। और जब मन को रिलैक्स कर देते हो, रिलीज कर देते हो, तब लगता है। पहला बात। दूसरा बिंदु कि हम बाहर, मैं कदाचित नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बेस्ट गुरुकुल के ध्यान के आचार्य हूं या मैं ध्यान सिखा दूंगा, यह भी नहीं कह रहा हूं, या मेरे से सीख लो, यह भी नहीं कह रहा हूं। तुम देखे होगे, क्योंकि आपके अंदर मेरे को लेके कोई गुरु बोल के ना सोचो, इसीलिए मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं। मैं क्या बोला, आप अपना गुरु हो, मर्जी आपका, मुझे गुरु मत बनाओ, मेरा पैर मत छू। इसीलिए सबको कोई भी आता है, मेरा पैर मत छू, आई एम नॉट योर मास्टर, मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, आचार्य नहीं, आप अपना आचार्य हो, इसलिए मुझे गुरु सजा के पूजा मत करो। हाँ, मेरे पास एक स्पेशलिटी है, समझ में आ रहा है, उसको मत देखो, फेसबुक मत देखो। क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी ये है कि मैं हर चीज को गुरुकुल बेस के हेतु करता हूं, ये स्पेशलिटी। समझ में आ रहा है ना? मेरे पास कराटे भी सीखोगे, अस्त्र शस्त्र विद्या भी सीखोगे, या योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, कृषि भी सीखोगे, तो इसके पीछे एक बेस है और वो है गुरुकुल। भारतवर्ष में बहुत सारे ध्यान केंद्र, विपासना से लेके ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से लेके बहुत सारा केंद्र है, लेकिन उनका मकसद गुरुकुल है क्या? नहीं। ये डिफरेंस है, ये भिन्नता है, क्योंकि मैं जो दे रहा हूं वो कोई नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका विजन गुरुकुल का है नहीं। और गुरुकुल के लिए वो अपने जीवन का 30 साल दांव पे नहीं लगाए, गुरुकुल के लिए वो अपने जीवन का पाई पाई खर्चा नहीं कर दिए, हमने किया। और मेरा हर शब्द, हर विचार गुरुकुल से होते हुए ही जा रहा है, क्योंकि पहला गुरुकुल, जैसे आप बोले कि पहले हम चिकित्सा केंद्र खोलेंगे फिर गुरुकुल की ओर मुड़ेंगे, आप समझ रहे हो ना? तो आपके लिए गुरुकुल सेकेंडरी वेक्टर है, मेरे लिए गुरुकुल क्या है? प्राइमरी सब्जेक्ट है। इसलिए मैं जो आपको डायरेक्शन दे सकता हूं और मेरे पास जो ध्यान करने का जो पद्धतियां हैं, इस भारतवर्ष में दूसरा किसी के पास नहीं है। गर्व और घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी गुरुकुल चल रहे हैं और जहां जहां गौशाला चल रहे हैं, जहां जहां ये योग, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा, जड़ी बूटी, रामोपैथी का चिकित्सा केंद्र चल रहा है, शायद ही ऐसे कोई इक्का दुक्का गांव के अंदर कहीं वो नहीं गया रहूंगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जा चुका, देख चुका। उनका विजन क्या है, उनका डायरेक्शन क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, देख चुका। और उससे पूर्व जो आप बोले कि मेरा बेटा को घर में शांति रहे इसलिए जाए मैं कॉलेज एजुकेशन में, और मैं उसको ढीला छोड़ दिया, चलो
और मैं बाकी बच्चों को के लिए गुरुकुल का काम कर लूंगा, और मेरे घर में ही अंधेरा रहे और पड़ोसी के घर में दिया जला दूंगा, यह मैं भी कर चुका और इसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ा। इसलिए नो कंप्रोमाइज एट ऑल, मेरे घर भी मेरे बच्चा भी गुरुकुल में पढ़े चाहे कुछ हो जाए, और चाहे किसके लिए, अगर मैं मेरा बाप माँ के साथ नहीं लड़ पाया तो बाहर वालों से नहीं लड़ पाऊंगा, समझो। मैं ये कंप्रोमाइज किया, मेरे साथ मेरा बड़ा बेटी के लिए ये कंप्रोमाइज कर दिया और इसका परिणाम खराब हो गया। मुझे उस समय लड़ जाना चाहिए था, क्योंकि घर वाले कभी शांत नहीं हो सकते। आप घर वाले को जो इतना पैसा मांगो वो दे दो, घर वाले बोलते ठीक है आप मेरा बेटी को मैं कॉलेज में पढ़ाओगे, पढ़ाओ ठीक। उस समय तो आप कॉम्प्रोमाइज करके निकल पड़े, लेकिन अब 10 साल के बाद देख रहा हूं कि उस समय जो कॉम्प्रोमाइज मैंने किया आज मैं गलत हो गया। अगर मेरी मेरा बेटी को अगर मैं गुरुकुल माध्यम में घुसा देता तो आज मेरा बैक सपोर्टर बन गई होती, क्योंकि वो मैकोले में पढ़ के तो कुछ नहीं करने वाले ना, बम्बे बेंगलोर या अमेरिका जाएगी ना, वही तो सपना देखेगी नौकरी करना है, तो मैं तो गवा दिया ना भाई, समझ में आ रहा है ना। और जहां सालिस करने लग गए ना आप, तो सालिस करते ही जाओगे। एक मेरा दोस्त था है, उसको वो भी एक स्कूल खोला, मैं बोल रहा था ना मेरा बहुत सारे दोस्त हैं जो स्कूल खोले हैं, रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल, बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, करोड़पति हैं आज के डेट में। मैं फकीर हूं, फकीर चंदों के घूम रहा हूं। मेरा गुरुकुल आज भी झोपड़ी में चलता है, और वो लोग आज बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, और मतलब हर 6 महीने में एक कार चेंज करते हैं, 25 लाख का स्क्वाडा लेके घूमते हैं बोर्डिंग स्कूल के जो डायरेक्टर साहब, करोड़पति लूट रहे हैं मैकोले के पत्र, समझ में आ रहा ना। मैं भी उस समय उनके साथ उस प्रकार के डे बोर्डिंग स्कूल खोल देता या बोर्डिंग स्कूल खोल दिया होता तो आज मेरा ये हालत नहीं रहता, मैं भी कोट सूट बूट एसी में रहता और बड़ा अमीर होती। मैं सालिस नहीं किया गुरुकुल के साथ, सालिस नहीं किया, बहुत परेशानी। तो ऐसे ही मेरा एक दोस्त स्कूल खोला था, उसमें एक एचएम हेडमिस्ट्रेस पोस्ट में एक टीचर, एक डिवोर्सी औरत को एचएम पोस्ट, वो एचएम इस डायरेक्टर को पकड़ के धीरे धीरे स्कूल का जो मेन था, मैनेजर था, जो मालिक था, हाँ, उसको धीरे 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 ब्लैकमेल करने लगा, वो एचएम ब्लैकमेल करने लगी। ब्लैकमेल करते 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 उसको यहां तक ले गई कि उसके साथ मतलब उसका बीवी बनने लग गई, समझ में आ रहा है, बीवी बनने लगी, शादी नहीं किया लेकिन लोगों को दिखाने लगा शादी। और एक बार यहां तक देखा कि स्कूल का एचएम एक वर्कर उस स्कूल का मालिक को गंदे गंदे भाषा में गाली दे रही, और यहां तक हो गया बात कि पूरे स्कूल के संपत्ति को हड़पने के लिए वो एचएम की कुछ और लोगों के साथ मिलके षड्यंत्र रचने लगी। और क्योंकि वो डिवोर्सी थी तो बेसिया टाइप की थी, पहले से वो अपने बात कबूल की है, उसका मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग सुना, बेसिया टाइप की थी, बाहर धंधा करती थी तो उसके पास कस्टमर का कमी नहीं था, तो धीरे धीरे उस मालिक को ट्रैप करने लगे, उस मालिक का संपत्ति लूटने लगे, उस मालिक को ब्लैकमेल करते करते लोगों के सामने तेरा बाप को बोल दूंगी, तेरा भाई को बोल दूंगी, तेरा बीबी को बोल दूंगी, तेरे को बदनाम कर दूंगी, तेरे को सारथी बाबा बना दूंगी, तेरे को आश्रम बापू बना दूंगी, वो ब्लैकमेल करने लगी उसको। उसने वो जो स्कूल का डायरेक्टर साहब था उस एचएम का, उस डिवोर्सी औरत का पैर में लंबा लंबा सोता था कि माफ कर दो, मत कुछ करो, जो चाहिए ले जाओ, जो चाहिए सब देने के लिए तैयार। इवन उस जो डिवोर्सी औरत थी, वो जो गंदी औरत थी ना, वो जो बेसिया, बोले कि तेरा बहन का शादी के लिए 3 लाख देने के लिए भी तैयार। सोचो आज के डेट में 3 लाख देने के लिए तैयार है, आज के डेट में जो आदमी शरीर का धूल नहीं देता
वो 3 लाख देने के लिए तैयार, लेकिन वो एचएम, वो जो डिवोर्सी थी, वो जो बिसिया थी, वो नहीं सुनी। और इस उस स्कूल के डायरेक्टर को इतना भयंकर बेइज्जत किया कि वो मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहा, उसके घर में, बाहर, उसके स्कूल में, उसके गांव में, चारों तरफ फेसबुक में, व्हाट्सएप में, वो पेपर में निकाल के इतना बेइज्जत करके रख। 3 महीना तक वो मेरा दोस्त डिप्रेशन में रहा, 3 महीना तक रूम बंद रखा, उसके घर वाले उसका सारा संपत्ति जो भी, क्योंकि वो जो डिवोर्सी औरत थी, एचएम थी, वो डिमांड की कि मेरे को आधा संपत्ति दो, तो उसका घर वाले उसका सारा संपत्ति निकाल के वो उसका भाई के नाम पे, उसका बीवी के नाम पे कर दिए, उसका एटीएम कार्ड, उसका मोबाइल, सब कुछ उससे ले ली। और उसका घर वाले भी पिटने लगे, उसका बीवी भी पिटने लगी कि तू ये स्कूल का एक डायरेक्टर है और ये इतना घिनौना हरकत कर रहा है। उसने नहीं किया, वो डिवोर्सी एचएम इसको ऐसे षड्यंत्र में फंसाती गई, ब्लैकमेल करते 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 कि ये बाध्य हो रहा, क्योंकि ये डर रहा था कि मेरे बाप के सामने, मेरे भाई के सामने, मेरे बहन के सामने मेरा बेइज्जती हो जाएगा, मेरे पूरे खानदान में, मेरे पूरे समाज में मेरा नाक कट जाएगा, मेरे बाप का नाक कट जाएगा, मेरा बहन का नाक कट जाएगा, मेरा परिवार को लोग गंदा नज़र से देखेंगे। तो इसके लिए पैर में पड़ के 100 बार क्षमा मांगे। एक स्कूल का डायरेक्टर कुत्ता बन गया, कुत्ता, कुत्ता, समझ रहे हो ना? हाँ। और मैं तो यहां तक देखा कि वो जो स्कूल का एचएम थी ना, वो जो डिवोर्सी, वो जो बेसिया, उसको ऐसे थूके, एकदम पहन से थू करके थूके, ऐसे उस डायरेक्टर को ऐसे पैर में लात मारे, थप्पड़ मारे, 200-340 थप्पड़ मारे। एक औरत, एक स्कूल का डायरेक्टर जो शेर था, जो सिंह था, उसको थप्पड़ मारे। सोचो, इमेजिन करो, एक मैकॉले एजुकेशन का आउटपुट। अच्छा, वो जो एचएम थी, हेडमिस्ट्रेस थी, वो जो बेसिया लड़की औरत थी ना, हायर एजुकेटेड, ग्रेजुएशन करके क्या 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 सब बहुत ऊपर पढ़ी है, सोशल साइंस और क्या क्या सब पढ़ी हुई है, हायर एजुकेटेड, ब्लैकमेल के नाम पे इतना। क्या हो गया, गलती कहाँ हो गया? पहला जिस दिन वो डिवोर्सी औरत, वो बेसिया, पहला ब्लैकमेल जिस दिन की, अगर ये डायरेक्टर उसी दिन उसका गर्दन पकड़ लेता तो आगे करता नहीं, सालिस करता गया। इसका गलती एक ही रहा कि ये उसकी गलती को स्वीकार करता, स्वीकार करता गया, हर बुराई को स्वीकार करता गया। ये जो बोले ये हाँ बोले, ताकि ये शांत रहे। इस बच्चा को स्कूल से निकालना, निकाल दो। उस मास्टर को स्कूल से निकालो, डायरेक्टर साइन मार दे, हाँ निकाल दो। उस मास्टर का, उस टीचर का कोई गलती नहीं, लेकिन निकाल दो, निकाल दो। इतना षड्यंत्र, इतना घिनौना हरकत, और आखिरी में वो स्कूल तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। और आखिरी सिचुएशन क्या हुआ जानते हो? वो स्कूल का एचएम, स्कूल का सारा सर्टिफिकेट, फाइल्स, बैंक अकाउंट, बैंक डिटेल्स, पैसा, उस स्कूल का फैन, मतलब एवरीथिंग, रातों रात चोरी करके लेके भाग गई। और उल्टा केस उस इसके ऊपर और उसका बाप के ऊपर दे दी। आप समझ रहे हो क्या कंडीशन था? लॉर्ड मैकॉले का आउटपुट क्या हो गया? सालिस कर दिया। पहला दिन ही उसको गर्दन दबा लेना चाहिए, पहला दिन।